Hello everyone, welcome you all to Explore Indonesia next episode. And अभी आप लोग देख रहे हैं कि बोरोबुदुर टेम्पल में हम लोग जा रहे हैं. जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा टिकटिंग प्राइस एंड ऑल दैट कैंपस. अभी ये स्टेयर्स जाती हैं करीब के, आप बोल सकते हो कि 200 के आसपास स्टेयर्स हैं जो आपको क्लाइंब करके मेन टेम्पल के कंपाउंड में जाने के लिए. और ये थोड़ा एलिवेटेड लैंड है, आजू बाजू का जो एरिया है वो प्लेन एरिया है. सो ऑलमोस्ट 1000 मीटर्स के राउंड एलिवेटेड एरिया पे है ये टेम्पल और दूर से आपको दिखता है. और अब जो इसका व्यू है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आपको एक टोटल डिफरेंट वर्ल्ड. ये बिल्डिंग मीन्स आपको लगेगा कि आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए हो, वहाँ के किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं. और ये स्ट्रक्चर वैसे भी दुनिया का दो तीन जो बड़े बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बागान नाम से है म्यांमार में, बर्मा में, और दूसरा अंकोर वाट का जो टेंपल है जो कि हिंदू टेंपल है कंबोडिया में, उनके साथ इसकी भी काउंटिंग होती है तीसरे नंबर पर. ये तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे 504 बुद्धिस्ट स्टैचूज थी, जैसा आप यहाँ से भी देख सकते हो. और ये जो टेंपल का टोटल जो प्लेटफॉर्म थे इसके चारों तरफ, ये जिनके ऊपर ये बिल्ट हुआ है वो प्लेटफॉर्म 9 है, जिसमें से 6 स्क्वायर हैं. मीन्स जो ये स्टोन्स का स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म बना के उसके एक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा गया है और हाइट बढ़ाई गई है. तो 6 जो हैं वो प्लेन है और स्क्वायर हैं, और उसके ऊपर जो 3 हैं वो सर्कुलर शेप में हैं. मीन्स आप चढ़ते जाओगे तो आपके को एक के बाद एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि स्क्वायर में होगा और बड़ा सिमेट्रिकल है. और इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं. वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसलिए पूजा वूजा कुछ होती नहीं है. अभी हम लोगों को ये लोगों ने ऊपर जाने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था. मे भी कुछ रिस्टोरेशन चला हुआ है, बट पहले आपको बिल्कुल टेंपल के टॉप पे भी जाने को अलाउड होता था और वहाँ से आप पिक्चर ले सकते थे. वहाँ से आउटसाइड पूरा जोगजा सिटी दिखता है आपको, टॉप से लेते हैं तो एक एक डिफरेंट लेवल का व्यू है वहाँ से जब आप लास्ट टेंपल के बिल्कुल रूफ पे पहुँचते हैं. तो अंदर एज सच इसमें कुछ है नहीं, सीधा क्लाइंब करके आप जा सकते हो. सीधा टेंपल पे चढ़ोगे तो 504 के आसपास बुद्धिस्ट स्टैचूज हैं जो काफ़ी अभी ओरिजिनल शेप में भी हैं, काफ़ी कुछ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, या यूँ कह सकते हो कि उनमें कुछ टूट फूट हो चुकी हैं. और ये जो आप क्रेविंग्स देख रहे हैं स्टोन्स में, ये उस टाइम पे की गई थी. और ये आपको डिपिक्ट करती है कि आप जैसा कि अपने इंडिया में होता है कि आप अच्छा काम करोगे तो उसके लिए क्या रिवॉर्ड है, और अगर कुछ बुरा काम करते हो तो उसके लिए क्या क्या सज़ा है. तो ये कुछ कोई राजा का दरबार टाइप दिखाया हुआ है, उसके अंदर दिखाई हुई है कि सही करने वालों को क्या होता है और गलत करने वालों को क्या क्या सज़ाएँ मिलती हैं. और ये ऊपर आप देख रहे हो एक बुद्धिस्ट स्टैचू है इस एंगल से, और इसमें चारों तरफ से सिमेट्री सेम है. ये रेक्टेंगुलर टेंपल स्ट्रक्चर है और टॉप है उसका, इसका बिल्कुल ऊपर है, जिसमें बेल टाइप आप बोल सकते हो कि घंटियों के जैसे कुछ ऊपर टॉप पे लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जैसे मंदिर में घंटियाँ होती है. और नेक्स्ट एपिसोड में और एक्सप्लेन करूँगा. और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़.